वेलकम टू फॉरवर्ड पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास। अस्सलामुअलैकुम, आई एम योर उर्दू टीचर इकरा सैयद। क्लास प्रेप, सब्जेक्ट उर्दू, पेज नंबर 35। ओके स्टूडेंट्स, नाउ टेक आउट योर उर्दू बुक। बच्चों, ये आपकी इब्तदाई उर्दू जीम की किताब है और आज हम सफ़ा नंबर 35 की पढ़ाई करेंगे। बच्चों, सफ़ा नंबर 35 खोलें। भारी आवाज़ वाले अल्फाज। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको भारी आवाज़ वाले अल्फाज की कहानी सुनाऊंगी। भारी आवाज़ वाले अल्फाज कौन से हैं? देखें बच्चों, हम जब कहानी पढ़ेंगे, हमारे पास जिधर भी दो चश्मे हैं आए, वो हमारे भारी आवाज़ वाले अल्फाज कहलाएंगे। तो बच्चों, अब मैं आप लोगों को भारी आवाज़ वाले अल्फाज की कहानी सुनाऊंगी। भालू मियाँ बहुत टर्पो थे और इनकी दोस्त थी भेड़। भेड़ बड़ी सियानी थी। भालू ने कहा, जंगल में भूत का घर है। भेड़ बोली, हम भूत के घर फल फूल लेकर जाएंगे। दोनों घोड़ा गाड़ी पर भूत के घर गए। घर के अंदर एक बूढ़ी औरत झाड़ू लगा रही थी। भेड़ ने आवाज दी, हम भूत से मिलने आए हैं। बूढ़ी औरत ने कहा, छत पर चले जाओ। छत पर गए तो जोर की बिजली कड़की और रिमझिम रिमझिम बारिश शुरू हो गई। भालू मियाँ तो बहुत डर गए और जल्दी से छतरी खोली। दूर से बंदर ने ढोल बजाया और हाथी ने आवाज लगाई, भालू मियाँ यहाँ ना कोई भूत है और ना कोई शेर। बच्चों, ये थी हमारी भारी आवाज वाले अल्फाज की कहानी। अब बच्चों, मैं ये कहानी दोबारा से पढ़ूंगी और जहाँ जहाँ हमारे भारी आवाज़ वाले अल्फाज होंगे, हम उसमें दायरा लगाएंगे। आप भी मेरे साथ साथ पढ़ें और मेरे साथ साथ दायरा लगाएं। बच्चों, जहाँ भी दो चश्मे हैं आए, वो हमारे भारी आवाज़ वाले अल्फाज होंगे और हम उसमें दायरा लगाएंगे। बच्चों, अब आप इस कहानी को मेरे साथ साथ पढ़ें और जहाँ भी हमारे भारी आवाज़ वाले अल्फाज आएंगे, हम उनमें दायरा लगाएंगे। मेरे साथ पढ़ें और मेरे साथ दायरा लगाएं। भालू मियाँ बहुत डरपोक थे और इनकी दोस्त थी भेड़। बच्चों, भ, ये हमारे पास भारी आवाज है। अब हम इसमें दायरा लगाएंगे। थे थे थ और इनकी दोस्त थी थ। भेड़ भ।
भेड़ बड़ी सियानी थी। भ थ बच्चों, मैं जहां जहां दायरा लगा रही हूं आपने भी मेरे साथ साथ दायरा लगाना है। भालू ने कहा, जंगल में भूत का घर है। भ भ घ भेड़ बोली, हम भूत के घर फल फूल लेकर जाएंगे। भ में दायरा लगाएं बच्चों। भ घ फ फ दोनों घोड़ा गाड़ी पर भूत के घर गए। देखें बच्चों, मुझे भारी आवाज वाले अल्फाज में दायरा लगाएं मेरे साथ साथ। घ भ घ घर के अंदर एक बूढ़ी औरत झाड़ू लगा रही थी। घ बच्चों दायरा लगाएं। रि झ थी थ भेड़ ने आवाज दी, हम भूत से मिलने आए हैं। भ बच्चों भ में दायरा लगाएं। भ बूढ़ी औरत ने कहा, में दायरा लगाएं। छत पर चले जाओ। छत पर गए तो जोर की बिजली कड़की और रिमझिम रिमझिम बारिश शुरू हो गई। मुझे देखें बच्चों और मेरे साथ दायरा लगाएं। छ ज ज भालू मियां तो बहुत डर गए और जल्दी से छतरी खोली। भ भ में दायरा लगाएं बच्चों। छ ख दूर से बंदर ने ढोल बजाया और हाथी ने आवाज लगाई, भालू मियां यहां ना कोई भूत है और ना कोई शेर। बच्चों देखें, ढ ये हमारे पास भारी आवाज है। ढ थ बच्चों मेरे साथ दायरा लगाएं।
भ भ बच्चों, जिसमें हमने दायरा लगाया है, ये हमारे पास भारी आवाज वाले अल्फाज हैं। जहां पर भी बच्चों दो चश्मी है आए, वो हमारे भारी आवाज वाले अल्फाज कहलाते हैं। ये थी हमारी भारी आवाज वाले अल्फाज की कहानी। तो बच्चों, आज हमने भारी आवाज वाले अल्फाज की कहानी पढ़ी है, और भारी आवाज वाले अल्फाज में दायरा लगाया है। अब आपने घर में बार बार इस सबक की दोहराई करनी है। नेक्स्ट क्लास में हम नज़्म पढ़ेंगे, मी बरसा है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।